Oh dear students, welcome to Nidhi Science Academy. Today we will study significant figures. Okay? हमने पहले measurements के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे significant figures के बारे में. Measurements हमने multiplication, division, scientific notation ये सब पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे significant figures. तो experimental measurements करते हैं, उनमें अनसर्टेनिटी रहती है ना. एक वर्ड होता है प्रिसीजन. ओके, प्रिसीजन तो क्या होता है, क्लोज होता है सेम क्वांटिटी के, जो क्वांटिटी होती है उसके थोड़ा क्लोज रहता है. और एक होता है एक्यूरेसी, कि बिल्कुल ही वो एक्यूरेट है, एकदम करेक्ट है, ये क्लोज टू एक्यूरेसी है. ओके, तो एक्यूरेसी की डिवाइस पर डिपेंड करता है कि कितना एक्यूरेट है वो मेजरमेंट. जैसे कोई भी ट्रू वैल्यू है किसी चीज़ की, है ना, एक रिजल्ट की मान लो ट्रू वैल्यू एक रिजल्ट का कितना है, माना हमने उसका वो है 4.00 meter, ये रिज़ल्ट है. अब सबने मेजरमेंट लिया, एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगी. मेजरमेंट लिया, ओके, एक स्टूडेंट है राजीव, उसने मेजरमेंट लिया, ये हुआ एक्सपेरिमेंट वन. मैं एक बार एक टेबल बना दूँ, एक्सपेरिमेंट टू, और ये आपका, ये आपका आ गया एवरेज. ओके, वंस मिनट, और ये आपका एवरेज मीटर में. ओके, तो राजीव ने मेजरमेंट लिया तो वो 3.95 meter. ओके, और दूसरा बारी उसी का मेजरमेंट लिया तो 3.93 meter उस ऑब्जेक्ट का, और एवरेज कितना हम मान लेंगे इसके बीच का, 3.94 meter हुआ. ओके, ऐसे ही दूसरा है राम ने लिया, राम ने कितना लिया, उसने मेजरमेंट लिया तो उसको वो ऑब्जेक्ट 3.94 meter लगा, दूसरी बार लिया तो 4.05 meter का लगा ऑब्जेक्ट, तो एवरेज उसका क्या रहा, करीब 3.99 meter. फिर मोहन ने लिया तो उसका एवरेज आया 4.01 meter, दोबारा लिया तो 3.99 meter, तो एवरेज मीटर में कितना आया, 4.00 meter. तो एवरेज वैल्यू क्या, हम किसकी कहेंगे सबसे करेक्ट है, सबसे सही एवरेज वैल्यू मोहन ने लिया. वाई, क्योंकि ट्रू वैल्यू से इसी की वैल्यू मैच करती है ना. जो ट्रू वैल्यू है जितनी मोहन ने निकाली, मोहन ने जो एवरेज निकाली उसके इक्वल है, दैट इज 4.00 meter. तो ये हम लोगों की एवरेज निकल गई. तो ये वैल्यूज़ क्या है, ये वैल्यूज़ क्या है, प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी हैं. तो जो मुकेश ने निकाली वो प्रिसाइज और एक्यूरेट है. तो अनसर्टेनिटी जो हो जाती है एक्यूरेसी में, उसी को यहाँ एक्सप्लेन किया गया. इसकी जो वैल्यू है ये प्रिसाइज एंड एक्यूरेट है, क्योंकि उसकी जो एवरेज है वो ट्रू वैल्यू से मिलती है. ओके, तो लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर, है ना. तो जैसे किसी पेज को मेजर करने के लिए दिया गया, मान लो वो फॉर एग्जांपल
मेजरमेंट ऑफ पेज, हमने उसका मेजर किया तो वो निकला करीब 13.8 सेंटीमीटर। ओके, कितना निकला? 13.8 सेंटीमीटर। तो 13.8 सेंटीमीटर में जो 13 है वो सर्टेन डिजिट है, मींस वो फिक्स है। वो फिक्स है जो हमारे पास थर्टीन है वो सर्टेन डिजिट है। ओके, और जो 0.8 सेंटीमीटर है, जो 8 सेंटीमीटर है वो अनसर्टेन। ओके, तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते 8 में, क्योंकि 1/10 है किसी का, है ना। नंबर ऑफ टेंस इन न्यूमेरिकल एक्सपेरिमेंट, हम वी आर नॉट श्योर अबाउट 1/10 ऑफ सेंटीमीटर, है ना, विच इज 8। इसके बारे में हम श्योर नहीं है ये कितना है, तो अनसर्टेन डिजिट। तो हम इसका जो मेजरमेंट है अनसर्टेनिटी कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम? अनसर्टेनिटी कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम? 12.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, है ना, 0.1 सेंटीमीटर आगे पीछे हो सकता है ना। तो इस तरह से, ओके, लाइक दिस वी विल डू दिस। इट्स द इजी मेथड ऑफ अनसर्टेन मेजर इज टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी, और सबसे अच्छा मेजर करने का ये हमने अभी तक समझा, प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है। तो ये अनसर्टेनिटी से बचने के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, एन ईजी मेथड टू एक्सप्रेस द अनसर्टेनिटी इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। इट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसमें क्या कोई, ये क्या है, दे आर, एक डेफिनेशन हम लिख लेते हैं शॉर्ट सी, देज आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी। दीज आर मीनिंगफुल डिजिट जो कि सर्टेनिटी के लिए माने जाते हैं। तो हमने कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स फिक्स कर दिए, कुछ रूल फिक्स कर दिए, है ना। तो नंबर ऑफ जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो नंबर ऑफ कितना होएगा, शॉर्ट में लिखती हूँ, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू नंबर विच इज़ नोन फॉर सर्टेनिटी, है ना, जिसका हमें फिक्स है कि ये है, प्लस वो नंबर जो कि अनसर्टेन है, वो मिला के बनेगा हमारा क्या बनेगा, सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे फर्स्ट नॉन जीरो जीरो, जैसे 8.00, इसमें कितने हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितने फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे,
रूल्स क्या हैं इसके, कैसे फाइंड आउट करेंगे सर्टेनिटी के सिग्निफिकेंट फिगर्स के, रूल्स टू डिटरमाइन टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या रूल्स हैं? पहला है जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो डिजिट जितने भी हैं वो क्या हैं, सिग्निफिकेंट है। ओके, जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सिग्निफिकेंट है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल 175 या 178 सेंटीमीटर। ओके, और एक ले लिया आपने 0.178 सेंटीमीटर। ओके, एक आपके पास आ गया 1.78 सेंटीमीटर। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं? ऑल हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 3 हैं। तो जितने नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ओके, सेकंड है 0 टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इन द नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। 0 से जो लेफ्ट में आते हैं नंबर वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये जो 0 हैं ये पोजीशन डेसिमल पॉइंट के करते हैं, जैसे 0.0175 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब लेफ्ट में जो 0 आएंगे वो काउंट नहीं होंगे। 0.0017 चाहे वो डेसिमल से पहले आए चाहे वो डेसिमल के बाद आए, इसमें हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, एक रूल ये हो गया। और जीरोस जो कि दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में वो सिग्निफिकेंट है, जैसे 1.007 है ना, इसमें ये सिग्निफिकेंट है। तो इसमें कितना हुआ सेंटीमीटर, हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 1.07 सेंटीमीटर, ये 0 भी काउंट होगा, ये देखो पहले वाला काउंट नहीं हुआ बीच वाला काउंट होगा, हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, क्लियर। अब फोर्थ रूल क्या है? अब फोर्थ रूल क्या है आपके पास? फोर्थ में ये है कि 0 एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर, 0 कहाँ पर है, एट एंड और राइट ऑफ नंबर, ठीक है, एंड में है या राइट में वो नंबर। और राइट में नंबर में वो सिग्निफिकेंट है, पर ये प्रोवाइड होना चाहिए राइट साइड में है डेसिमल पॉइंट के, जैसे 6.00 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे ही 0.060 सेंटीमीटर, राइट साइड होने चाहिए डेसिमल के, इसमें आएगा है इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। राइट साइड ऑफ अ नंबर
और राइट साइड ऑफ डेसिमल। ओके, तो इसमें टू सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये इसके रूल्स हैं। अब एक और रूल इसमें हम बताएंगे आपको, क्या रूल है कि जो एग्जैक्ट जो इन्फेनाइट नंबर है उनका भी सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जैसे मान लो 4500 मीटर है, ठीक है। जैसे ये तो आपको सिंपल पता होगा, जैसे डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं होती है, फोर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, या 40 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद की कोई वैल्यू नहीं होती। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, जैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फोर पॉइंट फाइव इंटू टेन रेज टू द पावर थ्री मीटर, मान लो एक जीरो और है, थ्री मीटर। तो कितने फिगर आए यहाँ पे, टू सिग्निफिकेंट फिगर, टू सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4.50 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 मीटर, जैसे 4.5 है, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 करो आप, कितना आएगा, 1 2 3, ये एक के बाद ऐसे, तो कितना हो गया बेटा, कितना हो गया ये, जैसे 4500 है, जैसे 4500 मीटर, 4500 मीटर। ओके, तो इसमें कितने डिजिट हैं, इसमें कितने आएंगे, इसमें 1 2 3, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, कितना, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। और इस तरह से अगर हम इसको एक्सप्रेस करें, 4.500 इंटू 10 रेस टू थी 3 मीटर, तो कितने आएंगे इसमें, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट। All zeros to the right of a decimal point. इसको याद कर लो, All zeros to the right of decimal point are significant. Right के जो फिगर होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे जब हम इनको एक्स एक्सप्रेस करेंगे। ओके, तो इस तरह से अलग अलग एक्सप्रेशन के हिसाब से जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐसे माना जाता है। एक और चीज़ समझाते हैं आपको, राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ। ओके, राउंडिंग ऑफ में हम क्या देखते हैं, जैसे कि जो राइट में अगर मोर देन फाइव है, जैसे सिंपली मैं थ्योरी लिखाने जा प्रैक्टिकली समझाऊंगी तो आपको और अच्छा क्लियर होगा, जैसे 58.87 है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, हमें इससे क्या करना है, इज टू बी
राउंडेड ऑफ टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में हमें राउंड ऑफ करना है. तो ये मोर देन फाइव है, जो सेवन है, सेवन इज़ मोर देन फाइव, तो हम इसको 58.9 राउंड ऑफ कर देंगे. ओके, तो क्या होता है, इसको ग्रेटर देन फाइव है तो इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 58.9 की. ओके, सेकंड है कि अगर राइट डिजिट लेस देन फाइव है तो प्रिसीडिंग नंबर नहीं चेंज होगा. जैसे 58.82 है कोई डिजिट, तो इसको जब राउंड करना है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर के, तो एट जैसे ही, क्योंकि ये लेस देन, टू इज लेस देन फाइव, तो ये आपका 58.80 रहेगा. थर्ड है रूल आपके पास कि राइट मोस्ट जो डिजिट है इसको प्रिसीडिंग नंबर चेंज नहीं होगा, इवन नंबर होगा. तो जैसे 5.25 है तो इसमें 5 ही है, पर ये इवन नंबर है इसलिए ये रहेगा 5.2 ही रहेगा. ओके, अगर 5.35 है तो ये 5.4 में चेंज हो जाएगा एग्जैक्टली, अगर इधर 5 है. वाई? क्योंकि ये इवन नंबर है, इवन नंबर में उसी तरह से रहेगा और ऑड नंबर में वो चेंज होगा. ओके, वी हैव टू इंक्रीज 3 to 4 गिविंग 5.4 एज अ रिजल्ट. क्लियर? तो ये तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स हैं. अब इतने रूल समझने के बाद हम इसका समझेंगे एडिशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. पहले मैं एडिशन बताती हूँ. एडिशन ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर, और बड़ा बड़ा लिखूँगी जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट एक तरफ आने चाहिए, और राइट में जो है मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो जाने चाहिए राइट में, है ना, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल डेसिमल प्लेसेस एट राइट. ओके, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए राइट में. जैसे मान लो मैं प्लस करने को दूं 11.1 प्लस 1.11 प्लस 0.11, तो इसको कैसे करोगे ऐड, पहले आप लिखो 11.1, फिर पॉइंट से पॉइंट को मिलाना है आपको, है ना. अब आप यहाँ से नहीं लिखोगे, यहाँ से लिखोगे 1.11 और फिर 0.1. Now you will add, okay, 2, 3, 12.32. इस तरह से करना है. तो 11 पॉइंट है तो एक डिजिट तक आपको 12.3 है. तो 11.1 11 पॉइंट क्या है, खाली वन डिजिट ही है इधर, तो एक डिजिट तक ही ऑफ होगा. तो इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 2 ड्रॉप हो जाएगा. तो 12.3 आ जाएगा आंसर. और 11.1 में खाली वन डिजिट है इस तरफ, इसीलिए एक डिजिट तक ही हमें राउंडिंग ऑफ करना है. ठीक है, इसी तरह हम देंगे सब्ट्रैक्शन पे. सब्ट्रैक्शन में क्या है कि
जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया 3.56 माइनस 0.031। अब ये मत सोच लेना कि ये बिगर है तो ये दिस इज़ बिगर। ओके, तो 3.56 माइनस डेसिमल को डेसिमल से मिलाना है 31। इधर आप ज़ीरो इमेजिन करो, 10 माइनस 1 9, 5 माइनस 3 2, और ये 5 और ये 3.529। ये दो डिजिट तक है तो हम दो डिजिट तक इसका आंसर देंगे। तो ये 5 से बड़ा है तो राउंडिंग ऑफ करके, इसीलिए पहले राउंडिंग ऑफ समझाया। तो ये राउंडिंग ऑफ करके कितना हो जाएगा, 3.53। ये 2 डिजिट तक है इसीलिए हम 2 डिजिट तक आंसर देंगे। 1 डिजिट तक था तो उसे 1 डिजिट तक हमने आंसर दिया। ये सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल, क्लियर? तो इस तरीके से हम समझाते चले जाते हैं आपको कि आगे कैसे करना है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल को कैसे, हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे यूज़ करते हैं, तो हम आएंगे मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। जैसे 15.79 इंटू 6.06 है, तो मान लो हमारा आंसर आया 956874। तो हम इसमें डेसिमल कैसे लगाएंगे, इसमें कितने हैं डेसिमल के बाद, 4, 2 इधर 2 इधर, तो 1 2 3 4 यहाँ डेसिमल लगेगा, क्लियर? तो 6.0 मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, दैट इज़ 3। जैसे 6.06 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 हैं, 3 हैं, सिग्निफिकेंट नंबर इज़ 3। तो क्या होगा, फाइनल रिज़ल्ट को भी हम ऐसे देंगे, फाइनल रिज़ल्ट नाइन्टी फाइव पॉइंट सेवन, ये राउंडिंग ऑफ कर दिया, 95.7। एक मिनट, ये थोड़ा वन मिनट, ये जो था इससे हम करते थे। ओके, ये जो हमारा, एक बार दोबारा लिख देती हूँ, 9.56874, ये 6.3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर से राउंडिंग ऑफ करेंगे। ये ग्रेटर देन 5 है तो ये हो जाएगा 95.7। ओके, क्लियर? तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को करते चले जाना है। तो इसी तरह से हम आगे और करेंगे, डिवीजन का भी करेंगे। डिवीजन है जैसे मान लो 5.28 इंटू 0.156 इंटू 3.00 ओके अपॉन 0.0428। डन, अब हमने इसको पूरा कैलकुलेट किया और आंसर हमारे पास आया 577348। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे तो कितने के बाद आना चाहिए, ये करीब आएगा हमारा 4 डिजिट का, 1 2 3 4 7 3 4 7 3 4 5 8। तो हम करीब 5 डिजिट के बाद इसको लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से इनको क्लियर किया जाता है कि किस तरीके से हम करते जाते हैं। तो क्या होता है, वैल्यू जो है फिगर्स की,
सब वैल्यू के थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने हैं सब केस के भी थ्री सिग्निफिकेंट है सब. क्या है? ऑल वैल्यूज हैव थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, सब वैल्यूज के तीन सिग्निफिकेंट फिगर है. तो हम इसको क्या करेंगे, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे. तो इसका हम आंसर लिखेंगे 57.7. जैसे कई बार इनफाइनाइट नंबर होता है 66.6 है, 20 में इनफाइनाइट नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 20 इसमें बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 20 × 3.33 है तो कितना है 6. तो हम कैलकुलेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है और नंबर ऑफ डिजिट जो है फाइनल रिजल्ट है लिमिटेड है बाय अदर नंबर से लिमिटेड. जैसे 20 में इनफाइनाइट नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फाइनल रिजल्ट जो होगा उसको हम इस तरह से देंगे 66.6. 20 हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ डिजिट इज द फाइनल रिजल्ट इज लिमिटेड बाय अदर नंबर 3.33. हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे 66.6. इसी तरह से हम और क्वेश्चन भी करेंगे. इसमें कितने हैं थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, एक बार दोबारा कर ले. इसमें थ्री सिग्निफिकेंट, इसमें इनफाइनाइट. तो इसमें हम रिजल्ट जो है जिस थ्री 66.6 इस तरह से इसका रिजल्ट एक्सप्रेस किया जाएगा. इसी तरह से और एग्जांपल हम लेते हैं. जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर टू फोर सिग्निफिकेंट फिगर, फोर सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है. वैसे भी जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3.33, एक बार इसको फिर से क्लियर कर देती हूँ, तो यह आएगा 0, 6, 6 और यहाँ 2 है तो ये 2 के बाद लगेगा अगर हम रफ कैलकुलेशन करें. और वैसे भी इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे तो 66.6 रहेगा. ठीक है, अगर मैं कहूँ इसमें इसमें ये रहेगा आगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर टू फोर सिग्निफिकेंट फिगर, फोर सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको एक्सप्रेस करना है. क्या नंबर है? 6.608792. तो इसको अगर फोर फिगर तक हमें एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इसको फोर डिजिट तक, फोर डिजिट तक आपको पता है यहाँ तक हो रहा है, इसके आगे 7 है. 7 इज ग्रेटर देन 5, तो इसको हम राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं तो आएगा 6.609. ऐसे हम इसको एक्सप्रेस करेंगे. ओके, सेकेंड एग्जांपल है, मान लो 42.392800. अब हमें इसे करना है राउंडिंग ऑफ करना है, कब तक? फोर सिग्निफिकेंट फिगर. तो यही हमारा क्वेश्चन है. तो
तो ये, और आगे तो टू है जो कि लेस देन फाइव है, तो ये 42.39 में एक्सप्रेस हो. डन. तो इस तरह से क्वेश्चन को हमें करना है, इनके जो भी क्वेश्चन आते हैं. ऐसे ही फोर सिग्निफिकेंट फिगर को, इसमें इसको करना है, फोर सिग्निफिकेंट फिगर को एक और क्वेश्चन देते हैं. 1.81234 इंटू 10^3. इसको हमने फोर सिग्निफिकेंट फिगर तक, जो हम पहले बोल रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है. तो आप क्या करोगे, 1.81 फोर तक तो ये हो गया, 1, 2. आगे 3 है, 3 इज़ लेस देन 5, तो इतना का इतना ही रह जाएगा, इंटू 10^3. इस तरीके से इसका आंसर आ गया. क्लियर. तो इसी ऐसे एग्जांपल दिए ना हमने, ऐसे ही आपको कहते हैं कि इसको ऐड करो. एक नंबर है उसको ऐड करो, 3.368 प्लस 2.02. कैसे करोगे इसे, 883 देख लिया, 5.3. अब क्या है, सम इज़ राउंडेड 2 decimal प्लेसेस तक करना है हमें, तो इसको आ जाएगा 3.9 kg. मान लो ये kg में दिया है, तो आप kg में आंसर यूनिट आएगी आपको. इस तरह से इसको करना है. तो ऐसे कुछ कुछ एग्जांपल से आपको क्लियर होता है कि हमें कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स लगाने हैं. तो कुछ कुछ एग्जांपल से आपको क्लियर होता जाता है. जैसे कोई क्वेश्चन है, मास है किसका, और एग्जांपल देती हूँ, वुड ब्लॉक का कितना है, 6.932 ग्राम है, और डेंसिटी कितनी है वुड की, मान लो डेंसिटी वुड की दी हुई है 7.7 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर. तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, पता है सबको, मास अपॉन डेंसिटी. तो कितना हुआ, मास कितना है, 6.932 अपॉन 7.7 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर. तो जब हमने इसको किया तो क्या आंसर आ रहा है हमारा करने पे, इसका आंसर आएगा, मान लो इसको हम जब करते हैं, 0 वेट अ मिनट, इसका हमारे पास आंसर आया 0.900259. तो इसको और ऐसे करके उसमें आ रहा है, दशमलव में, मतलब डेसिमल के आगे आ रहा है. जैसे इसको भी एक्सप्रेस करना है तो भी इसको सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है. जैसे 6932 लिख लो अपॉन 7.7, अगर आपको नहीं क्लियर है तो यहाँ से पॉइंट उड़ाया, ऊपर 10 डाल दिया, यहाँ से पॉइंट उड़ाया, फिर ये 0 कट गया. फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करते जाओ और काटते जाओ, है ना, कट करते जाओ. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आता जाएगा, है ना. 2 से किया तो ये 2 5 10 0, इसको 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, फिर 2 से किया तो 25 आ गया, 2 1 2, 2 7 14, 2 3 6, 2 3. क्लियर. इस तरह से इसको करते, पहले इसको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा. ओके. तो अब इसको हम क्या कह रहे थे, लोएस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, आगे 0 0 है, 2 digit तक देना है, तो ये हो जाएगा हमारा 0. ये हमारा हो जाएगा 0.90 क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर. ओके. तो इस तरह से हमने को सिग्निफिकेंट फिगर समझना. तो जैसे जैसे हम करते जाएंगे हमें और क्लियर होता जाता है कि कैसे इसको सिग्निफिकेंट
फिगर को कैसे क्लियर करना है, किस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ओके, प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालने हैं। तो जैसे जैसे हम इसको करते जाते हैं आपको क्लियर होता जाता है। ऐसे ही हम अब पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। ये बहुत सारे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया और क्लियर होगा। ओके, नाउ वी विल स्टडी डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में क्या पढ़ेंगे हम, कैलकुलेशन में हमें कुछ कुछ टेक्निक चाहिए होती है ना, जिससे कि हम और अच्छे से एक्सप्रेस करें। टू सॉल्व प्रॉब्लम कुछ कन्वर्जन होते हैं यूनिट्स के, इसको डायमेंशन एनालिसिस भी कहते हैं या यूनिट फैक्टर मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट फैक्टर मेथड भी बोलते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल समझाते हैं कैसे इसको और क्लियर किया जाता है। जैसे आपके पास एक देयर इज अ पीस ऑफ वुड, यू हैव अ पीस ऑफ वुड, ओके, कितना है, 4 इंच का है, 4 इंच लॉन्ग है, और उसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट हमें इसको सेंटीमीटर में करना है, जितना भी सेंटीमीटर। तो जैसा हमें पता है कि 1 इंच इज इक्वल टू कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर। वन इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 1 inch upon 2.54 centimeter is equal to 1 is equal to 2.54 centimeter upon 1 inch। ओके, तो इस तरह से हम इसको इक्वालिटी में डाल रहे हैं, इक्वल है। तो ये क्या है, यूनिट फैक्टर्स हैं। 1 inch equals 1 and 2.4 also equal 1। तो क्या हो गया, ये यूनिट फैक्टर्स हैं। दोनों क्या हैं, मतलब आपका संख्या तो सेम है, बस सेंटीमीटर में उसी को इंच में कन्वर्ट किया है, तो ये जो सेम है इसलिए इनको यूनिट फैक्टर्स बोलते हैं। तो इनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए इक्विवेलेंट क्वांटिटीज का, है ना। जैसे अब 4 इंच इज इक्वल टू कितना हुआ, 4 into 2.54 centimeter upon 1 inch इज इक्वल टू 4 into 2.54 centimeter इज इक्वल टू कितना, 4 4 16 ये हो गया 10.16 centimeter इज इक्वल टू 10.2 centimeter। तो इस तरह से यूनिट क्या, वो भी सेंटीमीटर में चेंज हो गया, सेंटीमीटर में चेंज हो गया ना। तो हैं क्या ये, क्या यूनिट फैक्टर्स है। यूनिट फैक्टर्स को कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई स्क्वायर सब कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, जितना एग्जांपल करोगे न्यूमेरिकल्स में उतना आपको लोग क्लियर होगा। जैसे 1 day is equal to 24 hours, ओके, सबको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो यूनिट इसमें, यूनिट फैक्टर में हम लिखेंगे 1 day upon 24 hours is equal to 1 is equal to 24 hours upon 1 day। देन 1 hour में कितने होते हैं मिनट, 60 मिनट होते हैं। और
1 hour upon 60 minute is equal to 1 is equal to 60 minute upon 1 hour. तो अगर हमें 3 days को वी हैव टू कन्वर्ट 3 days इंटू सेकेंड्स तो हम कैसे करेंगे. 3 days इंटू 24 upon 1 day इंटू 60 मिनट अपॉन 1 hour इंटू 60 सेकेंड अपॉन 1 मिनट. ओके तो क्या आएगा हमारे पास 3 into 24 into 60 into 60 सेकेंड. ओके तो 4 3 is 12 इज इक्वल टू 2592 इस तरह से. दिस इज नोन एज यूनिट फैक्टर्स. कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं. 1 day इज इक्वल टू कितना है. 1 day इज इक्वल टू 24 into 60 into 60 सेकेंड. ये आंसर हो गया. ये डे के आवर्स हो गए, मिनट ये सेकेंड्स. ओके ऐसे ही कुछ कुछ हमें क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर होना चाहिए. जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर बताओ किसमें, 0.1235 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर, क्या आंसर आएगा. खाली एक है सिग्निफिकेंट, लेफ्ट साइड के 0 काउंट नहीं आएंगे, है ना. अब मान लो क्वेश्चन देते हैं हम, जैसे कोई क्वेश्चन आपको आ गया, ऐड 0.001 + 0.02. तो आप इसको इस तरह से करने की जगह हमेशा इस तरह से करोगे, पॉइंट के साथ पॉइंट मिलाइए तो आप कभी गलत नहीं होगा. 0.021 आ जाएगा इसका आंसर. ओके इस तरीके, जैसे क्वेश्चन है 5 into 0.2 तो कितना हुआ, 5 2 ज़ा 10, एक के बाद 0 लग गया, आंसर क्या हुआ, राउंडिंग ऑफ भी करोगे तो खाली 1. ओके तो इस तरीके से इसको हम करते जाते हैं. मान लो एक क्वेश्चन एक और करा देते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए. मान लो ये किसी ने लिखा, राउंड ऑफ 0.1525 up to 3 significant figure. 3 significant figure क्या है, तो आप लिखोगे 0.153. ये आंसर है. इस तरह से करना है इसको, इजी है. आप इसको करेक्टली करेक्ट करते जाओगे, उतना ही अच्छे से समझते जाओगे, उतना ही करेक्टली होता जाएगा. आराम से इसको करते जाइए. कैसे राउंड ऑफ करना है अब आपको क्लियर हो ही गया होगा कि इसको कैसे करते जाना है. राउंड ऑफ कर लिया हमने, प्लस के भी कर दिया, मल्टीप्लाई का भी एक एग्जांपल कर. अब है आपके पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो क्या होता है, जब भी कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है तो कुछ लॉज बनते हैं, इनको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं. तो पहला है
लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. पहला है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो ये किसने प्रपोज किया था? इट इज़ प्रपोज्ड बाय फ्रेंच केमिस्ट लेवोइसियर ने किया था 1789 में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो ये क्या स्टेट करता है लॉ, कि कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज होता है तो टोटल मास जो प्रोडक्ट का होता है वो इक्वल होता है उसके रिएक्टेंट के. एक मिनट, ये लॉज याद करने के लिखना जरूरी, बड़ा लिख के मैं बताती हूँ. ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज में द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स रिमेन्स, जो टोटल मास आएगा प्रोडक्ट रिमेन्स इक्वल, जो रिएक्टेंट का जो मास है उसके इक्वल होगा प्रोडक्ट का, इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स. ठीक है, प्रोडक्ट का मास उतना ही होगा जितना कि टोटल मास ऑफ द जितना कि रिएक्टेंट्स का. ठीक है, हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं प्रोडक्ट बनता है ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उनमें रिएक्टेंट्स होते हैं, ये प्लस ये होते हैं आपके रिएक्टेंट्स प्लस ये जो भी है, और ये जो आंसर आया वो क्या है, प्रोडक्ट. तो इनका जो टोटल मास है और प्रोडक्ट का मास है वो किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज में सेम रहता है. और मैटर नाइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ये भी लेवोसियर ने कहा था मर्क्यूरी ऑक्साइड को दिखा के, जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड है उसको आपने हीट किया तो क्या आया, मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन, क्या आया मर्क्यूरी प्लस हमारे पास आया मर्करी प्लस ऑक्सीजन. ओके, तो मर्करी प्लस ऑक्सीजन में मर्करी का एसाइड 100 ग्राम का है, ये 92.6 ग्राम का है, और ऑक्सीजन 7.4 ग्राम है. तो ये इस रिएक्शन में सम ऑफ मासेस ऑफ मर्करी और ऑक्सीजन का जो सम है वो इक्वल है इसके मास से, दोनों का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल है, इसने ये शो कर पे फ्री मर्करी और ऑक्सीजन. मैटर कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. न्यूक्लियर रिएक्शंस पर इसमें नहीं होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है ना, कुछ हद तक मास में चेंज आता है. जो हम इज इक्वल टू एम, जैसे एग्जांपल भी दे देते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ये 10 ग्राम है,
ऑन हीटिंग, ये हीट का सिंबल है. दे गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड. ओके, तो ये 4.4 ग्राम है. और ये एक्स है, ठीक है. अब हमें इसे कैलकुलेट करना है. मास बताया है सबका, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट है. तो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स इज इक्वल टू 10 ग्राम माइनस 4.4 ग्राम, तो कितना आया 5.6 ग्राम. वो मास हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना हो गया 5.6 ग्राम. अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 10 ही आएगा, है ना. तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 5.6 ग्राम. तो इस तरह से हमने इसको एग्जांपल से कैलकुलेट करके इसको हमने ये बता दिया कि हाँ, जो लॉ ऑफ ऑफ कंजर्वेशन मास जो है कि द मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, ये हमें इससे क्लियर हो गया, ठीक है. ऐसे ही दूसरा लॉ है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट, बड़ा बड़ा लिखूंगी जिससे आपको क्लियर हो, और डेफिनेट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये किसने दिया था, ये लॉ दिया था जोसेफ फ्राउस्ट ने, जोसेफ फ्राउस्ट ने 1799 में. ओके, ये लॉ दिया था 1799 में. तो इस लॉ के हिसाब से ये लॉ क्या स्टेट करता है, केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शनल ऑफ एलिमेंट्स बाय मास. ये लॉ कहता है हमें अ केमिकल कंपाउंड always contains exactly the, इसमें सेम लाइन इसलिए लिख रही हूँ कि जब लॉ लिखते हैं ना तो आपको एग्जैक्टली वही लैंग्वेज लिखनी होती है जिससे आपकी डेफिनेशन सही रहे, प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास. ओके, तो ये किसने दिया था, जोसेफ फ्राउस्ट ने. उसने कहा था जो केमिकल कंपाउंड है उसमें सेम प्रोपोर्शन होता है एलिमेंट्स का बाय मास, मास के हिसाब से जो प्रोपोर्शन है, जो परसेंटेज है वो सेम होती है. उसने किस पे काम किया था, उसने क्यूप्रिक कार्बोनेट पे काम किया था. किस पे काम किया था, क्यूप्रिक कार्बोनेट पे. ओके, तो उसमें उसने दो सैंपल लिए, वन नेचुरल ओरिजिन का था और अदर सिंथेटिक था, ठीक है. एक उसने नेचुरल सैंपल लिया और एक उसने सिंथेटिक सैंपल लिया. किसने लिया, प्राउस्ट ने, जिसने लॉ ऑफ कांस्टेंट बनाया, सिंथेटिक सैंपल लिया. ओके, तो उसमें कितना था, इसमें 51.35% ऑफ कॉपर कितना था, 51.35. परसेंट ऑफ कार्बन कितना था, 9.74. परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना था, 38.91. अब सिंथेटिक सैंपल में 51.35, ओके,
परसेंट ऑफ कार्बन 9.74 और परसेंट ऑफ ऑक्सीजन 38.91। तो ये एग्जैक्टली ये जो थी संख्या जो है ये 51.3 सेम है जो इनका नंबर था। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स केमिकल कंपाउंड का जो होता है एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशियो में मास होता है किसी भी सोर्स से हो। ये इसने बताया चाहे आप नेचुरली लो चाहे सिंथेटिक लो प्रोपोर्शन सेम है। परसेंटेज ऑफ कॉपर 51.3 नेचुरल से लो चाहे सिंथेटिक सैंपल से लो कार्बन की सेम है और ऑक्सीजन की भी सेम। ओके, जैसे प्योर वाटर है वो हमने रिवर सी वेल का क्या कहीं से भी वाटर हो मेन क्या होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और उसका 1:8 रेशियो रहता है बाई मास। किसमें ये मैं वाटर का एग्जांपल दे रही हूँ ये हमारा हो गया। एक और एग्जांपल उसने दिया वाटर चाहे आप टैप से लो चाहे वेल से लो चाहे कहीं से लो कोई भी सोर्स हो इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स द प्रोपोर्शन ऑफ मास इज सेम। ये बात क्लियर करने के लिए बोलता है। जैसे CO2 हम कहीं किसी भी सोर्स से लें बर्निंग ऑफ कार्बन से लें हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन से लें CO2 का क्या रेशियो रहेगा कार्बन और ऑक्सीजन का कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो रहेगा 3:8 बाई मास। इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स द प्रोपोर्शन यूज टू बी द सेम। तो इस तरह से एग्जांपल बताए गए। तो इसका हम एक और एग्जांपल देके बताती हूँ मैं। जैसे एक कॉपर ऑक्साइड है उसका हमने उसको हमने प्रिपेयर किया फॉर एग्जांपल केस वन में कितना है मास ऑफ कॉपर 1.75 ग्राम ठीक है और मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड जो है वो 2.19 ग्राम। तो परसेंट ऑफ कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड हम कैसे निकालेंगे हम ऐसे निकालेंगे मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इनटू 100 है ना। यही तरीका होता है हमें कॉपर निकालना है। तो ये आ जाएगा 1.75 अपॉन 2.19 इनटू 100। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 79.9%। इस तरह से हमने कैलकुलेट कर दिया। ऐसे ही फिर उसमें हमने परसेंटेज ऑफ जब ऑक्सीजन निकालेंगे तो परसेंटेज 100 - 79.9 = 20.1% ऑक्सीजन हो गई हमारे पास। ऐसे ही हम करेंगे केस सेकंड में। जैसे इन केस सेकंड मास ऑफ कॉपर अगर है 1.14 ग्राम मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड है 1.43 ग्राम तो परसेंट ऑफ कॉपर इन ऑक्साइड वही तरीका जो पहले बताया इजी है 1.14 अपॉन 1.43 इंटू 100 इसको हमने अभी कैलकुलेट करके रखा हुआ है तो कितना हुआ 79.7%। आप जब करो तो एक एक चीज़ को सॉल्व करके करो फिर कि आपको फास्ट समझाना होता है तो ये जो सॉल्विंग है या डिवीजन करना है ये तो आप जूनियर क्लासेस से करते आ रहे हो ये पर खुद से करते जाना क्योंकि कोई भी चीज़ रटनी नहीं है सब चीज़ समझ के करनी है। तो परसेंटेज ऑक्सीजन कितनी हो गई 100 - 79.7 = 20.3%। तो
कॉपर ऑक्साइड को किसी भी मेथड से बनाओ, उसमें कॉपर और ऑक्सीजन सेम प्रपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, ये प्रूव करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, है ना। देखो मेन देखिए, प्रपोर्शन सेम है ना, 79.7 20.3 20.1, और ये 20.3। तो इस तरह से हम उसको प्रूव करते हैं, इसके लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रूव होता है। हेंस परसेंटेज सेम है, हमने क्या देखा कि आप किसी मेथड से प्रिपेयर करो कॉपर और ऑक्सीजन का देखा सेम प्रपोर्शन बाय मास, तो ये हमें हेंस इट प्रूव्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ओके क्लियर, आज हमने ये सब लॉ पढ़े। अब हम कल है ना इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन पढ़ेंगे, क्योंकि साथ साथ न्यूमेरिकल है, तो मैं चाहती हूँ जो जो मैं न्यूमेरिकल करा रही हूँ आप उसको रिवाइज करें, सॉल्व करें। तो कल हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। अभी हमने इसके दो लॉ पढ़े थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद हमने, और राउंडिंग ऑफ अर्थ, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा, उसके एग्जांपल किए, फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रपोर्शन किया। तो हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन करेंगे। आई होप आपको मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो पसंद आ रहा होगा, आपको सब समझ आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।